ओम शांति। आज की बाबा की साकार मधुर मुरली है 2 सितंबर 2022 की। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाबा का फरमान है कि तुम्हें सिर्फ एक बाप से ही सुनना है और जितना अविनाशी ज्ञान रत्न सुनते जाएंगे उतने तुम्हारे कान भी मीठे होते जाएंगे। फिर ड्रामा पर अचल अडोल रहने के लिए कहा कि तुम बच्चों को अभी रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, बुद्धि में रहे कि सब दिन होवत न एक समान। फिर कहा बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आते ही तब हैं जब यहाँ बेहद की महफिल होती है। सब आत्माएं यहाँ धरती पर आ जाती हैं तब बाप आते हैं। फिर सदा चढ़ती कला बनी रहे उसकी विधि बताई कि बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण विकारों का। तुम बाबा को कौड़िया देते हो और बदले में बाबा ज्ञान रत्न देते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। फिर कहा कि अब बाबा तुमको फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं कि इनकी हिम्मत अच्छी है, यह कभी गिरेंगे नहीं, तो बाबा भी ऐसे हिम्मत वाले बच्चे को शरण दे देते हैं। इसलिए कभी ना फरमान बरदार नहीं बनना है। फिर कहा यहाँ मधुबन में तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं तो मुख भी मीठा किया जाता है। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिलती है? बाबा ने उत्तर में कहा कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, बुद्धि में है सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्ष के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसा नहीं हो सकता, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेंगी। ड्रामा की स्मृति सदा रहे तो चढ़ती कला होती रहेंगी। आज मुरली में गीत बजा, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आते ही है तब जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं तब बाप आते हैं। भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी वह भी आ जाएंगी। अब यह तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वह सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। यह एक की ही महिमा है, यह पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा लो। जब गिनती करते हो तो बिंदी को शिव भी कहते हैं, तो बेहद का बाप शिव है। वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना, सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे। तुम कहेंगे सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे, यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहाँ ऐसे नहीं है। वहाँ है सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म नहीं होते। बाकी राजाए क्यों नहीं होते, हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। वह बेहद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह सब है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी।
गीत में भी सुना, चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया, तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है ना, चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भगत लोग भगवान से मिल न सके, भगवान आते ही है इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है, कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं, भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुम्ब ठहरे, तुम हो शिव वंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, इनको कहा जाता है अविनाशी संतान, आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, देवी देवताएं जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं, विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो बन जाते हैं, खाद पड़ती है आत्मा में, ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमको और किसी का सुनना नहीं है, बाप का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो, तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे, वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए, धक्के खाते ही आए, बेहद का बाप तो एक ही है, हम ऐसे बाप की सुनेंगे वह तुम्हारी सुनेंगे, हम आपको सुनाने वाले हैं न कि सुनने वाले, समझाना है प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो जरूर भाई बहन ठहरे, दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा, बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे, ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक न बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा, पोतरे और पोत्रिया दोनों को हक मिलता है, बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा, पहले पहले है बाप का परिचय, वह गीता का भगवान, बेहद का सच्चा बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है, बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं, यह है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं, इनको कुंभी पाक नर्क कहा जाता है, यह सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है, इनको विषय सागर भी कहते हैं, परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है विषय सागर, उनसे विकारों की नदियां बहती हैं। इस समय जो असुरी संप्रदाय है वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं, दुख ही दुख है, इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे, कहीं तो बहुत अच्छे बनकर फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं, युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है, दोनों तरफ कोई मरेंगे कोई जीतेंगे, हाँ पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे, कमजोर जो होते हैं वह जास्ती मरते हैं, यहाँ भी जो कमजोर हैं वह जट मर पड़ते हैं, यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई, काम से हारा तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है, बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं, फिर आवाज करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं, यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया, क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर, यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है, काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं, गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीति कपड़ धोई, बाप ही आकर कपड़े धोते हैं, अभी तुम्हारा भी यह पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक न मिले दूसरे से, ड्रामा है ना, सब दिन होवत न एक समान, 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे, 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते, यह फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है, यह अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बजता जाता है, फिर रिपीट होता है, कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग, वहाँ क्या होता है यहाँ क्या होता है, यह तुम बच्चों को अभी रोशनी मिली है,
अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण विकारों का, सीधी सी बात है। बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुम क्या देते हो। तुम कौड़िया देते हो, बाप तुम्हें ज्ञान रत्न देते हैं। बाप को कहा जाता है रत्नागर सौदागर, बाप का भी पार्ट है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। यह ज्ञान देने की भी ड्रामा में नोंद है अविनाशी, फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। यह ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है, वंडर है ना। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, वह रूप भी है बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएंगी, कानों से आत्मा सुनेंगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए। जरूर ब्रह्मा मुख से सुनना पड़े, विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर कहा जाता है एक निराकार को, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। ज्ञान सागर तो एक है ना, बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाए थे, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है, तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, बाप सबका एक है। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली, वह जिस्मानी यात्रा कर फिर लौट आते हैं। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार यह अमर लोक की यात्रा करते हैं, फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कोई यात्रा होती नहीं, वहाँ भक्ति ही नहीं। यह है ब्रह्मा की रात जिसमें भक्ति के धक्के हैं, चारों तरफ फेरे लगाए परंतु हरदम दूर रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। तुम पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो। वह तुम्हें पावन कैसे बनाएंगी, अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो। कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने, पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक है, बाकी है भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे, यह तो बड़े कायदे से पूछते हैं। जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनेकों के 5 धक्के क्यों खाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को बाबा ने वर्षा दिया था। तुम अभी पूछ सकते हो कि यह जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों की प्रजा भी होंगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, बाप ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं, तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुख धाम था ना, अभी तो दुख धाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर राजधानी स्थापन होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले, राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं, बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी दे देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं है, यहाँ भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। बाप कहते हैं, यह ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे, कल्प पहले मुआफिक कोई कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाप का कहना कभी मानेंगे नहीं, रूठ पड़ते हैं,
गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं, फिर ऊंच तकदीर बनती ही नहीं है। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़े ही कि प्रेरणा द्वारा किसी को मत देंगे। अगर देते तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही नहीं। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं, हम तो शिव बाबा से सीधा ही वर्षा लेंगे। देह अभिमान बहुत है तो पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती है। यहाँ किसी को हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, किसी को वेल्थ है तो हेल्थ नहीं। बच्चा पैदा न हो तो दूसरे का लेना पड़े। वहाँ सतयुग में यह सब बातें होती नहीं, वहाँ तो एक बच्चा जरूर होगा। यह है ही दुख धाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाप आकर वर्षा देते हैं। यहाँ तुम बच्चों का मुख मीठा किया जाता है। सेंटर पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। यहाँ मधुबन में तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान रत्न सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है तो उसका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला है, फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। दूसरा, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। यह फर्ज अदाय कर अब तीव्र गति से पालना करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करे। आज का स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित बनो। अच्छा, ओम शांति।